बीजेपी के यूपी प्रभारी रामेश्वर चौरसिया एक कार्यक्रम में शिरकत करने गोरखपुर पहुंचे, जहां रामेश्वर चौरसिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा कांग्रेस गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता को अब पुरानी साइकिल और बूढ़ी कांग्रेस पसंद नहीं है। देखिए, प्रथम चरण के मतदान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में न तो समाजवादी पार्टी की 25 साल पुरानी साइकिल लोगों को पसंद है, न ही 130 साल पुरानी बूढ़ी कांग्रेस पसंद है। ये जो दोनों का साथ पसंद है का नारा है, बिल्कुल धरातल पर चला गया। और हाथी को तो हाथी के लोगों ने ही पंचर कर दिया। जो भगदड़ मची और जिस तरह से टिकट बांटने में इतने बड़े पैमाने पर घोटाले हुए, उसी से हाथी पतली हो गई, ये तो तय है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव की वजह से राजनीतिक पार्टियों के नेता अलग अलग जिलों में जाकर अपनी पार्टी को जिताने की अपील कर रहे हैं। गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह, पंजाब केसरी टीवी।